हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्नेह पंजाबी तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही न्यू और अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि गुणों से भरपूर है। इसको खाएंगे तो आपका शरीर बहुत ही तंदुरुस्त रहेगा, ये सभी बीमारियों को काटता है। तो इसको बनाएं ज़रूर और अपनी डाइट में इसको ले जरूर। सुबह सुबह में खाली पेट में ज़रूर इसको लेना चाहिए और इसका इस्तेमाल से हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और पुरानी कहावत है कि सियाने दा किया और आंवले दा खादा बाद में पता चलता है। अगर ये कहावत सही है आप मुझे कमेंट करके बताएं, और कैसी है तो ये भी कमेंट करके बताएं। तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैं कौन सी रेसिपी बता रही हूँ। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आंवले का शरबत, जिसे आंवले का जूस भी कहते हैं। इसको खाने से हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो भी बूस्ट होती है और ये सभी बीमारियों को दूर करता है, जैसे हार्ट के लिए, बीपी के लिए, कैंसर के लिए और डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है, और जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है ये आंवला खाना। तो बच्चों बड़ों को ये ज़रूर आंवला खाना चाहिए, इससे जो है हमारा सेहत जो है ठीक रहेगा और पाचन शक्ति भी हमारी तंदुरुस्त रहेगी। और जिनको कॉन्स्टिपेशन की होती है प्रॉब्लम, वो भी इससे दूर होती है अगर आप खाली पेट इसको खाएं या शरबत पिए या इसका जूस पिए। तो चलो अब जब बातें करना करते हुए इतनी, तो अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो ये मैंने 500 ग्राम आंवला लिए। आंवला आपने साफ लेना है और अच्छे तरीके से लेना, गंदा नहीं लेना और मोटा लेना, ज़्यादा छोटे वाला नहीं साइज लेना। तो इसको अच्छे से हमने दो तीन बार अच्छे से पानी में वॉश कर लिया है, वॉश करके ही बनाना है हमने। तो इसको पानी में मैंने आधा घंटा भी भिगो के रख दिया था, जो भी इसकी गंदी मिट्टी है वो निकल जाएगी। तो इसको मैंने सुखा लिया था, तो साफ़ कपड़े से इसको, सूती कपड़े से इसको साफ़ कर ले। तो इसी के साथ ही मैंने ये मिश्री ली है, जो धागे वाली मिश्री होती है, एक जो स्क्वायर कलर की छोटी स्क्वायर में आती है जो छोटी छोटी साइज़ की, तो वो भी आप ले सकते हो या ये धागे वाली मिश्री ले सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी है, आप अगर शुगर डालना चाहते हो तो शुगर भी डाल सकते हो, चीनी, तो जिससे अच्छा लगे आपको टेस्ट उसका वही यूज़ करें। लेकिन फ़ायदा तो इसका मिश्री से है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और मिश्री भी ठंडी होती है। तो मैंने ये 250 ग्राम मिश्री ली है, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी पाउडर फॉर्म में। तो ये मिश्री आपको जो है आम पंसारी की दुकान में मिल जाएगी या डिपार्टमेंट स्टोर से मिल जाएगी, तो इसको भी आप ले सकते हो। तो अब एक बॉल लेंगे, अब इसको नाइफ से हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो सारे हम इसके छोटे छोटे टुकड़े जो है काट लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं चाकू से। हमें आंवले का शरबत या आंवले की कैंडी या कोई आंवले का मुरब्बा, ऐसे कोई अचार फॉर्म में इसको हमें खाना चाहिए, अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। बच्चे और बड़ों को सबको खाना चाहिए, इसे आपके बाल और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये आंवला खाना। जो ये इसके जो है गुण बहुत ज़्यादा है, बयान करना मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा गुण है इसके आंवले के। तो ये आयुर्वेदिक में बहुत ही इसका गुण बताया गया, इसको हम वो है सारी दवाइयों में डालते हैं। आंवले का पाउडर का भी सुखा के बनाएं, वो भी बड़ा अच्छा बनता है, वो भी आप इसको खा सकते हैं पाउडर को भी। तो इसकी जो गुठली होती है उसमें भी बहुत फ़ायदा होता है, आंवले की गुठलियाँ, आंवले का छिलका, आंवले का पाउडर, जो इसका फाइबर बच जाए वो भी इसको यूज़ करें, फेंक के मत इसको। तो ये देखिए गाइज, हमने आंवले को चॉप कर लिया अच्छे से, अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं और एक मिक्सी का जार लेते हैं, उसमें डाल देते हैं सारा ये आंवला। तो मैं ये बड़े वाले मिक्सी जार में इसको डालूंगी आंवले को सारा। अगर आपके पास छोटा है तो आप उसमें भी डाल सकते हो, दो बार डाल के बनाएं तो एक बार नहीं डलेगा। तो या आप जूसर में भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हो, अच्छे से जूस इसका निकल जाएगा। तो मिक्सी को हमने पल्स मोड पर चलाना है, इसको एक बार नहीं चलाना, नहीं तो ये गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं डाला, तो इसलिए इसको स्लो ऑन ऑफ करके हमने मिक्सी को चलाना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम, इसको चम्मच से ला लेते हैं, फिर इसको ग्राइंड करते हैं, एक बार फिर चर्न कर लेते हैं, तब इसका ढक्कन खोल के देखते हैं। ये देखिए, ये सारा मिक्सर जो है पीस गया है ये सारा, इसका अब हम जूस निकाल लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा पीस गया ये। तो अब एक हम बॉल लेंगे, कांच का बॉल लेंगे, कांच के बर्तन में ही डालने, कोई ऐसा बर्तन ना हो जिसमें आप डालेंगे इसको। अब यहाँ इसको स्टील के बर्तन में भी डाल सकते हो। एक स्ट्रेनर लेंगे, उसे हम छन्नी से छान लेंगे इसको, या आप सूती कपड़े से भी छान सकते हो, अच्छे से इसका फाइबर निकल जाएगा। अब मैं इसको पोटैटो मैशर से इसको प्रेस करके जूस निकालूंगी इसका अच्छे से। अब ये मैं दो तीन बार इसको निकालूंगी ऐसे इसके साथ। तो
इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा जूस निकल रहा है। तो इसको हमने दो तीन बार प्रेस करना है अच्छे से। अब मैं बड़े वाला बॉल ले लेती हूँ, शिफ्ट कर लेती हूँ उसको बड़े वाले बॉल में। छोटा है वो बॉल, इसमें अच्छे से हो नहीं रहा था, तब मैं इसमें डाल लेती हूँ सारा जूस इसमें। अब इसको हम अच्छे से दो तीन बार प्रेस करेंगे, फिर जूस निकलेगा। ये जो फाइबर निकला है वो मैं प्लेट में डाल दूंगी। इसको भी हम बताएंगे बाद में इसको क्या करना है, फेंकना नहीं है इसको भी। अब ये सारा मिक्सर मैं इसमें डाल देती हूँ छन्नी में, तो इसको भी हम जूस निकाल लेते हैं। तो ये सारा फाइबर निकला है, इसको प्लेट में मैंने डाल दिया। इसको हम धूप में सुखा देंगे, इसको भी यूज में लाएंगे, पाउडर बनाएंगे इसका। आंवले का पाउडर भी बहुत फायदेमंद होता है, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी सब्जी में, चने बनाओ किसी में, उसमें भी डाल सकते हो ये पाउडर। और इसकी भी पाउडर की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए गाइज, अब ये जूस निकल आया। अब इसको हम कप से नाप लेते हैं, मेजरमेंट आपका सही होना चाहिए, उसी हिसाब से हमने डबल शुगर डालनी है अब या मिश्री डालें। तो अब इसको हमने कप में डाल लिया है, तो ये एक कप मेरा ये निकला जूस इसका आंवले का। तो अब इसको हम जूस को बनाते हैं। तो मैंने गैस पे पैन रख दिया, उसमें हम ये जूस डाल देते हैं। तो उतनी ही मात्रा में हमें डबल जो है मिश्री डालनी है, मैं उतनी ही डालूंगी। तो एक कप मेरा जूस है ये आंवले का, और दो कप मैं मिश्री के डालूंगी। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। तो पहले हमें फ्लेम स्लो ही रखनी है, तो नीचे ना लग जाए। तो अब इस जूस को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो इसको अच्छे से स्टर कर लेते हैं स्पैचुला से। तो एक बॉयल आने पे हम इसके अंदर जो है मसाले ऐड करेंगे, फ्लेवरफुल मसाले डालेंगे, जिससे क्या है जूस का फ्लेवर और ही अच्छा आ जाएगा। तो इसमें हमने 1 टेबल स्पून मैंने ये ब्लैक सॉल्ट डाला है, और 1 टेबल स्पून मैंने ये वाइट सॉल्ट डाला है, और इसी के साथ मैंने ये 1/2 टीस्पून मैंने ये पिसी हुई काली मिर्ची भी डाली है। इससे क्या है काली मिर्च का और नमक का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा इसमें जूस का। तो अब इसको हम एक बॉयल आने देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा जूस बन गया, रेडी हो गया, ये ट्रांसपेरेंट कलर हो गया, तो समझो ये जूस हमारा बन गया। तो गैस को हम बंद कर देते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। तो ठंडा होने के बाद ही हम जो लेमन का जूस डालेंगे। तो ये देखिए अब ये ठंडा हो गया, तब मैं एक बॉल लेती हूँ कांच का, और इसको जो है जूस को ये स्ट्रेनर से हम स्ट्रेन कर लेते हैं, ताकि इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स काली मिर्च के या कुछ भी है तो वो स्ट्रेन कर लेते हैं, तो अच्छा लगेगा। तो अब ये मैंने स्क्वीज़ किया हुआ जो लेमन है, तो इसका दो मैंने लेमन लिए, उसको मैंने जूस निकाल लिया था, वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं। लेमन को आपने तभी ऐड करना है जब ये जूस हमारा ठंडा हो जाए अच्छे से, तो पहले गरम में नहीं ऐड करना लेमन को, बाद में करेंगे। तो ये सारा मैंने मिक्स कर दिया लेमन को। तो ये मैंने एक जार में डाला, ये मेरा जार जो है 500 ml का है, ये पूरा जूस जो है हमारा 500 ml के करीब ही है। तो ये देखिए, तो अब इसको अब कैसे इस्तेमाल करना है वो भी अब बताते हैं आपको। तो दो अब हमने गिलास लिए, इसमें हम 2 टेबल स्पून एक कप में एक गिलास में डालेंगे, दोनों गिलास में हम 2-2 टेबल स्पून इसमें डाल देते हैं। जितना आपको अच्छा लगे टेस्ट उसका, उतना ही आप और डाल सकते हो, लेकिन मैंने 2 टेबलस्पून डाले हैं। तो इसमें आपने गुनगुना पानी ही लेना है, ज़्यादा ठंडा चिल्ड पानी नहीं लेना, ना ही आपने आइस डालनी है, क्योंकि इसमें जो है ऐसे ही पीने का फ़ायदा है। और खाली स्टमक खाली पेट लेना है हमने सुबह सुबह, जैसे हम गर्म पानी पीते हैं सुबह, तो इसको ही लेंगे सुबह खाली पेट इसको, तो इसका फ़ायदा और अच्छे से आएगा। जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी ये सुबह सुबह ले सकते हैं गिलास आंवले का जूस, उससे जो है स्टमक की कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहती है। तो आप ये ज़रूर लें। तो मैंने इसको 2 गिलास में डाल दिया, 2-2 चम्मच। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना लेंगे। तो इसको 2 गिलास बना देते हैं। तो अब इसको स्पून से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पानी डाल के। तो इसमें आइस नहीं डालनी, ये ज़रूर याद रखें, ठंडा नहीं पीना हमने इसको। आयुर्वेदा में बताया गया है कि इसको गर्म पानी से थोड़ा गुनगुने पानी से लें तो और ही फ़ायदा देता है ये, जैसे रामदेव जी भी कहते हैं इसको खाली स्टमक पिए गुनगुने पानी में, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, हमारे पेट की कोई भी प्रॉब्लम जो होती है वो सॉरी सॉल्व होती है इससे, आंवले के जूस से। या आंवला खाएँ एक रोज़, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत भरपूर मात्रा में होता है, और ये हमारे बालों के लिए स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, सभी प्रॉब्लम के लिए अच्छा होता है ये जूस। यहाँ आंवला खाना बहुत ही हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो गाइज़ ये जूस हमारा ठंडा हो गया, अब इसको मैं बॉटल में शिफ्ट कर लूँगी, और ये मेरी बॉटल भी
500 ml की है, तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ। तो इसको मैं स्टोर करके फ्रिज में रख दूंगी 6 महीने के लिए। चाय रखो आप, अगर बाहर रखना है तो 2 महीने के लिए आप बाहर रख सकते हो, ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको अच्छे से पकाया हुआ है तो ये ख़राब नहीं होगा। तो आप 2 चम्मच डालो सुबह और गिलास में पानी डाल के, गुनगुना पानी डाल के इसको पी सकते हो अच्छे से। तो खाली स्टमक ही हमने पीना है, ये ज़रूर याद रखें। अपने अच्छे से इसको बॉटल को वॉश करके और सुखा के कांच के बर्तन में ही रखना है, तो कभी भी आपका जूस जो ख़राब नहीं होगा। तो ये मेरी सावधानी जो है, ज़रूर यूज़ करें और मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रेस बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, और आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी समय समय पर। तो आप मेरे पेज को भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो करें और लाइक करें, और न्यू रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आएंगी और अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। तो बाय बाय।